तो गाइस अभी आ गए हैं हमारी भाई सा, ये है काकू सा की बेटी और हमारे जवाई सा, और फिर बाबू से मिलने के लिए आए हैं। और ये गुड़िया देखो बच्चे कैसे घोर के बैठ गए, इतने खुश हो रहे हैं ना बच्चे बेबी को देख देख के, बहुत खुश हो रही है छोटी की भाई सा है ना। ये हमारे भाई सा की भाई सा है। और रक्षा बैठी है, जिया पियू तो सुबह पहले ही आ जाती है, अभी ये बातें कर रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगी इसको पीयू से, तो पीयू कह रही है नहीं हम नहीं ले जाने देंगे हमारे बाबू को, अभी मेरे भाई साहब को मिठाई बना को मिठाई देते हैं नहीं। और फिर फर्क है दो दो साल मनु बंद है, मनु भोग दे दे ये अब आ गया है मेरी बहन का बेटा जो की है खाने वाली का दूसरे नंबर वाला, एक भी मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, तो ये मिलने के लिए नीम का थाना से आया है बाबू को देखने। और फिर मैं दे रही हूँ मनु भाई साहब को, वो एक नेक होता है उनके पैसे, क्योंकि हमारे ननद लगते हैं तो इनको विदा देना हमारा फर्ज है। तो ये कह रही है किस बात के दे तो दिए, तो मैंने कहा नहीं लो, तो इसलिए तो अभी इनकी चल रही है बातें अभी बाबू के लिए कि हम लेके जा रहे हैं बाबू को। तो ये भाई साहब बोल रही है कि मुझे लेके जाना है लेके जाना है। भाई ये बाबू को लेके जाएंगे ना, मन है उनको ले जाने के, ले जाओ ऐसे नहीं जाना। ये बोलता नहीं है, ये नहीं है। है। उसने टिकट भी दे दिए, सुन लक्ष्मण ने टिकट भी दे दिए भाई, टिकट के पैसे तुझे मुझे काट पीट के वापस कर ये टिकट है जोन का नियम का नाम गुंजन भाई साहब, फिर गुंजन भाई से बात करते रहे काफी देर बैठे बैठे, तो आप वीडियो में बने रहना। ले तो मेरी बना दे ले।
अच्छे से स्टाइलिश। अरे यार मैं आईफोन वालों का ना बेकार काम है, फेस साफ होता है तो भी काला काला दिखाते हैं। तो गाइस सब जा रहे हैं गुंजन, गुंजन जाने के बाद में आए हैं हमारे भाभी सा जो है काकेर ससुर के बेटे की हो तो मेरी जिठानी है, और इधर सामने जेठ बैठे हैं मेरे, तो इसलिए मैंने सूट तो कर लिया और बेबी को देखने के लिए आए हैं ये जी। अभी सोई है तो इधर बैठे हैं, काफ़ी देर बैठे हैं, बातें की, आए अच्छा लगा। और देखो अपने लोग अपने ही होते हैं। अभी धीरे धीरे चेंज हो जाए। ऐसा ही है सारा। आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ क्या है ये भाई साहब, तबियत ठीक नहीं है, दर्द पेन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज नर्सी वगैरह सब हटा दी, होटल भी बंद कर दी है तो इसलिए दर्द हो रहा है। ऑपरेशन से डिलीवरी ना कराएं, बहुत दर्द होता है, दवाई नहीं मिलती है, तो जब तक दवाई लगती रहेगी जब तक शांति बनी रहेगी, और नॉर्मल में तो एक दिन में फ्री हो जाते हैं। ऑपरेशन में तो बहुत दिक्कत होती है, ना बच्चे को ले सकते, ना कुछ खा सकते, ना पी सकते, ना घूम सकते, ना लेट सकते, कमर जलती है बहुत तेज से, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, बहुत दर्द होता है, दूसरे के हाथ हो जाते हैं सब कुछ, इसलिए श्वेता भी परेशान हो गई थी। तो अभी बहन गई घर पे, वो नहा धो के आ जाएगी, श्वेता जाएगी, उसके बाद में कोई मिलने मिलने वाले आ जाते हैं, फिर बीच बीच में फिर जाना नहीं होता, सुबह शाम दोनों टाइम ड्यूटी लग रही है। एक भाई साहब ने कमेंट में पूछा था कि आपके पास कौन रहता है, वाइफ मेरी बहन और बुआ की बेटी रहती है, तो वो है श्वेता। और आशा जी को तो आप जानते ही हो, अभी वो घर गई हुई है नहाने धोने के लिए, फिर खाना लेके फिर आएंगी, तो खाना वाना रक्षा भानु बना देती है और ये यहाँ पे रखते हैं। तो ये है हमारी दिनचर्या दिन की, डॉक्टर ने दवाई देती रहती है, ये थी है पर्ची दवाई लेनी है। तो गाइस क्या बोलो, बेबी तो परेशान करता नहीं है बिल्कुल भी, मैं ही परेशान करती रहती हूँ इनको, कभी बाथरूम में लेके चलो, कभी उधर लेके चलो, कभी अब क्या है गाइस, ऑपरेशन की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है, इंसान उठ भी नहीं सकता तो बैठ भी नहीं सकता, बट मेरे तो पेन वगैरह होता है, बेबी हमारा परेशान नहीं कर रहा है, बट मेरे दोनों बच्चे वो भी परेशान नहीं कर रहे थे, और ये भी अभी अभी तक तो घर जाने के बाद में पता पड़ेगा गाइस, अभी तो पता नहीं है कुछ भी, अभी तो सोता ही रहता है। और इनके उठाना बैठना बहुत दिक्कत हो जाती है ऑपरेशन से, तो दर्द जब तक दवाई नहीं देंगे ना जब तक बहुत पेन होता है, ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, बट मैंने तीन तीन ऑपरेशन झेले हैं गाइस, ये दोनों बच्चे मेरे, दोनों पहले बेटियाँ हैं मेरे, अब की बार आपकी आशीर्वाद से बेबी हुआ है, तो किसी ने पूछा था क्या हुआ है, क्या हुआ है गाइस, बॉय हुआ है, और वैसे आप लोगों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई साहब बॉय होगा, बॉय होगा, बॉय होगा, तीन जब मैंने वीडियो डाला था ना जब ही से ही आपने कमेंट में लिखना शुरू कर दिया था कि आप टेंशन मत लो, आपके बॉय होगा, बॉय होगा, तो आपको पता है कि 24 घंटे में अगर कोई एक इंसान बोलेगा ना तो उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है।
और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, बहुत अच्छी अच्छी मेरे लिए विशेस मांगी, बेबी के लिए भी कमेंट किए, दिल से थैंक यू गाइस। उठ नहीं सकती इसलिए मैं सोती सोती ब्लॉग बना रही हूँ गाइस, बुरा मत मानना कि सो के लोगड़ी ओढ़ी, आपको पता है कि जहाँ पे भी कैसे रहते हैं लोग, तो इसलिए अभी ओढ़ के वीडियो बना रही हूँ। तो कैसा लगा सब लोगों को? अच्छा लगा ना? सब खुश हुए गाइस, बहुत मतलब ये समझ लो कमेंट में इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी मेरी भाई साहू ने बनाओ ने सब ने इतनी स्टोरी लगाई, दिल से थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट और स्टोरी लगाई। और जो मिलने आए भाई साहब, गुंजन भाई साहब और वे भाई साहब हैं सारी, दिल से थैंक यू जो मिलने आए मेरे से। देखो अपने लोग अपने आप ही मिलने के लिए आ जाते हैं, और ऐसे नहीं होता कि जो नहीं मिलने नहीं मिलने आए वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए भी कुछ नहीं बोल रही, अच्छा है जो भी है। सब देखो विशेष मांगते हैं ना और देते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस सब चले गए मिलके, खाना वाना खा लिया, अब है श्वेता पैर दबा रही, तो गुड नाइट करते हैं।